Hi, this is Deepthikan Podiyari, lecturer in botany. Welcome to my channel Mikon's Botany. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Hi, I am your educator Deepthikan Podiyari. Now we are going to study the new chapter of class 9 ka chapter 7, diversity in living organism. Diversity means kya hai? Diversity means variety. Okay, diversity means variety. वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब हमारे एनवायरमेंट में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को जब उनके बारे में हम पढ़ेंगे वो सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे. मतलब एक एक हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर रैबिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैट के बारे में पढ़ेंगे, डॉग के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैट्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब अलग 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 स्पेशल एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर हो जाएगा. उसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है ना, क्लासिफिकेशन किया गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर क्लासिफिकेशन क्या है ना, द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्व्ड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. मतलब क्या है ना, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स को अरेंज करेंगे कैसे ना, अकॉर्डिंग टू देयर इंडिया कहां पर अरेंज करेंगे ना, टैक्सोनॉमिक ग्रुप में. टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अरेंज करेंगे किसके बेस पर, मतलब जितने उनके सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को बेस करके हम अरेंज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स. ओके, व्हाट इज टैक्सोनॉमी. फिर टैक्सोनॉमी ग्रुप तो बोला था यहाँ पर. व्हाट इज टैक्सोनॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहां पर सिर्फ क्लासिफिकेशन किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. ओके, देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. हम क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे, मतलब हम तो जान लिए लेकिन हम क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे, एक बड़ा सवाल है. इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब हम क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्यों करेंगे. ओके, क्यों करेंगे ना, मतलब वो क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा ना, साइंटिस्ट लोगों को इजी होगा क्या करने में, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में इजी टू आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिज्म. ओके, एनी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं, उनका इजी टू नेमिंग कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कर सकते हैं. नेमिंग फिर किसके बेसिस पर होगा, नेमिंग होगा साइंटिफिक बेसिस पर, उसको बोलेंगे हम साइंटिफिक नेम. ओके, साइंटिफिक नेम को हम जो पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम वो होता है बाइनोमियल नेम डेवलप्ड बाय कार्लोस लिनियस. देखते हैं क्या होता है, क्यों हम पढ़ेंगे, मतलब साइंटिस्ट को इजी होगा क्या एनी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में और उनके नेमिंग करने में. और नेमिंग जो होगा किसके बेस पर होगा, ये जो नेमिंग होगा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज. किसके सिमिलैरिटीज, मतलब पहला पॉइंट होगा सिमिलैरिटीज ऑन जेनेटिक, मतलब डीएनए और आरएनए के बीच में जो सिमिलैरिटीज है, और अडेप्टेशन में मतलब डीएनए आरएनए में होगा जो सिमिलैरिटीज होगा, जेनेटिक
जेनेटिक सिमिलरिटीज और अडेप्टेशन के बारे में, मतलब अडेप्टेशन मतलब उसका इवोल्यूशन, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक आया है अब तक, कौन से प्लांट से, कौन से एरा से वो, कौन से एरा में आया है और कौन से एरा में दिखाया गया है, और उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसी के बारे में, मतलब ये तीनों को बेस्ट मतलब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, किसी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये हेल्प किया टू नो बेटर अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म के बारे में बेटर चीज जानने के लिए हम ये क्लासिफिकेशन किए और साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफिकेशन किए। किसी के जो भी क्लासिफिकेशन हुआ और जो सिमिलरिटीज वो लिए थे, क्या क्या सिमिलरिटीज लिए थे, अब हम देखेंगे क्या क्या सिमिलरिटीज लिए थे वो, कैरेक्टर्स क्या क्या लिए थे। एक था अपियरेंस, जनरली फिजिकल बिहेवियर, रिप्रोडक्शन मतलब वो कैसे दिखता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है उसके ऑफस्प्रिंग को, मोबिलिटी मतलब कैसे वो मूव करता है, उसका फंक्शनैलिटी मतलब वो कैसे फंक्शन करता है, मतलब ऐसे कुछ एटसेट्रा उनका कैरेक्टर था, मतलब कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे दिखता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे मूव करता है, कैसे फंक्शन करता है, ये दो चार चीज को लेकर उन्होंने बहुत क्लासिफिकेशन शुरू किए। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड 7 लेवल्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड 7 लेवल्स। 7 लेवल्स पे वो क्लासिफिकेशन हुआ था। क्या क्या 7 लेवल्स थे? पहला था किंगडम, सॉरी किंगडम, इसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लासेस, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिलीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। ओके, ये चारों, सॉरी 7 ऑर्डर्स, 7 लेवल्स थे, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।